नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है, मैं मुकेश जाट आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सटेंशन के विषय में देखने जा रहे हैं। और आप जानते हैं एग्रीकल्चर में दो जो टॉपिक है वो एक इकोनॉमिक्स है और एक एक्सटेंशन है। इकोनॉमिक्स के विषय में भी हम चर्चा करेंगे और एक्सटेंशन के विषय में भी चर्चा करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंशन में हम, और एग्जाम में आप जानते हैं इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक्सटेंशन से तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सन पूछ लेते हैं कब कौन कहाँ क्या है, और कुछ योजनाओं से पूछ लेते हैं, कुछ किसानों से रिलेटेड पूछ लेते हैं। लेकिन इकोनॉमी का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, यानी टफ होता है, ये आप जानते हो। लेकिन हमारे अपने पास वो भी सरल तरीके से हम पेश करते हैं, यानी कि अपनी भाषा में पेश करते हैं ताकि इकोनॉमी को हम समझ सके। तो आज हम देखते हैं क्या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार या पांच क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन ना करते हुए हम किसको देख रहे हैं, प्रचार प्रसार शिक्षा के विषय में हम समझ रहे हैं, ठीक है, प्रसार शिक्षा के विषय में समझ रहे हैं। अब प्रसार शिक्षा क्यों बोला, अब इसको इसलिए प्रसार शिक्षा बोला क्योंकि सबसे पहले जो एक्सटेंशन एजुकेशन चालू हुआ था, कौन सा चालू हुआ था, एक्सटेंशन एजुकेशन, वहां अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया था। और पूरे अगर हम देखें, अगर देशों के ऊपर अगर देखें राज्य करने वाले अगर ज्यादातर लोग थे तो अंग्रेज थे, और उन्होंने ही एक्सटेंशन को बढ़ावा दिया था एक्सटेंशन पे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, और अभी इसी के अंदर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करेंगे, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला ही है एक्सटेंशन क्या है शब्द, यानी एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है। तो यह पहले ही एग्जाम में री एसएडयू एग्जाम जो 2020 एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया। यहां पे क्या है, एक्स का मतलब क्या है, आउट, यानी बाहरी तरफ हम बोलेंगे, बाहरी ओर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे पेंशन, इस शब्द को पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसका अर्थ क्या है, तो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, यहां अगर हम सही अर्थ देखें तो फैलाव, क्या होता है, फैलाव, यानी बाहरी ओर जो फैला होता है उसको ही हमने यहाँ पे क्या बोला है, एक्सटेंशन बोला है। और इसी को ही एसएलयू एग्जाम री एग्जाम हुई थी, आपको बता दें एग्जाम कैंसिल हुई थी, फिर से एग्जाम हुई थी, उसके बाद एक बार और आरयू आ गई है, 1800 पद निकले थे, यानी कहने का मतलब कंटिन्यू कृषि विभाग में भर्ती जो निकलती जा रही है। इसके बाद यूपी में यूपीटीए जो पद निकला है, जो जिसने प्री एग्जाम प्रीपेड जो एग्जाम थी वो पहले जो दे चुके हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे की एग्जाम में भी यूपी जो हम बोलेंगे यूपीटीए जो एग्जाम है इसमें भी इसका पार्ट पूछा गया है। तो आप इसको पढ़ें और आपको बहुत मजे आएंगे, एक्सटेंशन आपको बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है 1900 से, यानी कि देखें 1880 से लेके 2024 तक के डाटा को हम सीरियल बाय सीरियल पढ़ने जाएंगे, देखते हैं हम। ये हो गया आपका एक्स, यानी क्या हो गया, आउट, और टेंशन यानी क्या हो गया, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यानी कि फैलाव, बाहर की ओर फैलाव उसको हम बोलते हैं। अब देखेंगे हम एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत अगर बात करें, यहाँ देखें कृषि विस्तार, अब हमने क्या बोला यहाँ पे, कृषि विस्तार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्योंकि हमको पढ़ना वही है, क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ऐसी प्रक्रिया और एक प्रणाली है, क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली जिसमें कृषि पद्धतियों से संबंधित हम क्या करते हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज, ज्ञान, और उसके कौशल, कौशल यानी हम बोल सकते हैं स्किल, यानी उसके कौशल स्किल के बारे में हम जब देखते हैं तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। चैनल यानी कि हम मीडिया बोल सकते हैं, मीडिया का मतलब कौन से, किस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, रेडियो से हम पहुंचा रहे हैं, टीवी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, फेस टू फेस हम पहुंचा रहे हैं, संगोष्ठी के द्वारा पहुंचा रहे हैं, कंपोजिट जिसको बोलते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं, किस चैनल के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, वो ये बात की गई है। माध्यम से संप्रेषित करते हैं, हम उसे भेजते हैं ताकि लोगों के बीच में इसका नॉलेज जाए, पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में ये नॉलेज कैसे जाए। कृषि विस्तार ज्ञान का निर्माण और प्रसार करने और सक्षम निर्णयकर्ता बनना होता है, क्योंकि करते सब है, लेकिन उस प्रसार में उसको एडॉप्ट कौन करता है, सबसे मेन प्रोसेस क्या होती है, एडॉप्टेशन करना, एडॉप्ट करना, कोई अगर प्रसार की चीजें अगर कृषि वैज्ञानिक हमारे लिए लेके आए तो उसे एडॉप्ट करना सबसे मेन होता है। और अगर एडॉप्ट करने की क्षमता बन गई तो वो निर्णयकर्ता हो जाता है, वो अपनी चीजों को बढ़ा देता है। कृषकों को शिक्षा प्रदान करने में सामान्यतः केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर केंद्र बिंदु एक्सटेंशन का अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने में सामान्यतः केंद्र बिंदु माना जाता है किसको, कृषकों को या किसानों को, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं जैसे लैब टू लैंड प्रोग्राम चला था,
लेफ्ट से लेके लेन तक, लेन से लेके लेफ्ट तक, यानी हम अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वो एक वे में नहीं चलता है, टू वे में चलता है। यानी इसकी जो प्रोसेस होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सटेंशन होता है टू वे होता है। सीखना और सिखाना, करके दिखाना, इन सारी प्रोसेसों पे ये चलता है। इसलिए याद रखना, ये पॉइंट बनता है केंद्र बिंदु किसे माना गया है, शिक्षा प्रसार का, यानी शिक्षा प्रदान करने में। और कौन सी शिक्षा हम यहाँ पे बात करेंगे, तो प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा प्रदान करने का मुख्य बिंदु जो है वो कृषक फार्मर खुद है। और यहाँ एक लेटिन शब्द है, कौन सा, जो एक्सटेंशन वर्ड है, यहाँ एक्सटेंशन वर्ड जो है एक तरह का लेटिन शब्द है। कैसा है, लेटिन शब्द है। फिर देखेंगे एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। हमने यहाँ के बोला है इस वर्ड का सर्वप्रथम यूज कहाँ हुआ था, तो यूज कहाँ हुआ था, यूज हुआ था यूएसए में। अगर हम यूज को देखें तो यूएसए के जैसे दिख रहा है, तो सबसे पहले यूज कहाँ हुआ था, इसका अमेरिका में हुआ था। लेकिन 1785 में प्रथम बार प्रसार पर कार्य करने के लिए, प्रसार पर फिर क्या किया गया, कार्य, फिर कार्य करने के लिए यूएसए के फिलाडेल्फिया राज्य के किसानों ने अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया था। वो ओपनली जाकर बेचने लग गए थे कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, हम इतने में बेच रहे हैं आपको, मतलब किसान जो था खुद बेचने लग गया था। तो वहां से छोटी सी शुरुआत हुई थी और उसी शुरुआत ने विश्व में क्रांति ली। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो फैलाव किया, सबसे ज्यादा प्रसार किया, वह अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है। अंग्रेजों के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने पूरे पृथ्वी को भ्रमण करके और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने राज्य किया था, यहाँ लोगों को गुलाम बनाया था, तो उन्होंने फिर इस विस्तार शब्द को ज्यादा अपनाया। विस्तार शब्द की उत्पत्ति 1866 से 73 में इंग्लैंड में विश्वविद्यालय विस्तार की प्रणाली के साथ हुआ। अब विश्वविद्यालय प्रणाली आपको पता हो तो मैकाले शिक्षा प्रणाली आई थी हमारे भारत में भी, अंग्रेजों अंग्रेजी सिखाओ यानी फूट डालो शासन करो की नीति थी, तो उसमें लोगों को अंग्रेजी सिखाई। और आज भी लोग अंग्रेजी ही पे ही, अंग्रेजी अगर कोई बोलता है तो बड़ा विद्वान माना जाता है, अंग्रेजी में अगर वो बात करता तो बड़ा विद्वान माना जाता है, आज समझते हैं। लेकिन एक्चुअल होता नहीं है, उसके अंदर के भाव क्या है, वो पब्लिक के लिए कितना करना चाहता है, ये डिपेंड करता है चाहे उसको आए या ना आए। लेकिन हमारे यहाँ उनको विद्वान आदमी बोलते हैं। एक प्रणाली के साथ में हुआ है जिसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे स्टुअर्ट ने विश्वविद्यालय विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया। और यहाँ स्टुअर्ट जो है ये आरयू एग्जाम में पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, स्टुअर्ट को पूछ लिया गया है विश्वविद्यालय विस्तार, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें हम, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो इसके पिता कौन है, तो स्टुअर्ट को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। प्रसार की बात नहीं कर रहे हैं, प्रसार का भी क्वेश्चन पूछा था, लिखना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, विश्वविद्यालय विस्तार यानी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के बारे में अगर बात करें तो स्टुअर्ट का नाम आता है। इसलिए आपको स्टुअर्ट का नाम याद रखना है कि इसके पिता स्टुअर्ट और इसकी शुरुआत करने वाले ही है। ग्रामीण लोगों के लिए विस्तार, विस्तार यानी एक्सटेंशन का अर्थ, कृषि और ग्रह अर्थव्यवस्था में शिक्षा, इसमें कृषि में शिक्षा और ग्रह की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, मैंने बोला ना एक्सटेंशन इकोनॉमिक का ही पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स कौन सा, होम इकोनॉमिक्स, यानी हम जैसे किचन गार्डन करके कैसे अपने घर का बचत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सब्जी उगाकर हम खुद जैविक सब्जी खा सकते हैं, तो ये जो है ग्रह अर्थव्यवस्था में शिक्षा, यह शिक्षा व्यवहारिक है जिसका लक्ष्य फार्म और घर में सुधार लाना है। ये कैसी है, एक व्यवहारिक है, बिहेवियर जो है इसका व्यवहारिक है, इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, फार्म यानी किसान खेत और उसके घर में सुधार लाना, ये इसका मेन प्रसार का उद्देश्य रहा है। लेन ग्रांट कॉलेज पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, यहां एक अमेरिकन पैटर्न है और इसी के आधार पे हमारे भारत में पहला कृषि कॉलेज जो ओपन हुआ था, यानी हम बोलेंगे सर्वप्रथम 1960 में पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वहां लैंड ग्रांट पैटर्न पे की गई थी। और यह पैटर्न कहां का था, अमेरिका का। एक्सटेंशन शब्द की शुरुआत अमेरिका, कार्य भी अमेरिका में किसानों ने किया था अपने कार्य के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ करने वाले कौन थे, इंग्लैंड के लोग, क्योंकि बाद में इंग्लैंड ने उस पर कार्य किया। पंत नगर को हरित क्रांति का मुख्य बिंदु माना गया। 1960 में जब हमने एक्सटेंशन या इस पे काम किया, पहला कृषि विश्वविद्यालय जब स्थापित, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया, कौन से पैटर्न पे किया, अमेरिका पैटर्न पे किया, पैटर्न का नाम
लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न है ये, क्या है? लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न। 1960 में जब हमारे यहाँ स्थापना हो गई, तो आपको पता है 1965-66 में हमारे यहाँ हरित क्रांति आ गई थी। तो हरित क्रांति का मेन बिंदु ये क्यों रहा? क्योंकि यही से प्रसार प्रसार होता रहा और यही से सारी चीजों का फैलाव किया गया, एक्सटेंशन किया गया। इसलिए हरित क्रांति का मुख्य बिंदु अगर पूछ ले तो पंत नगर को माना जाता है। विषय के रूप में प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर हम बात करें, की पढ़ाई भारत में 1956 में स्टार्ट हो गई थी। कब हो गई थी? 1956 में स्टार्ट हो गई थी और 1956 में ही मध्य प्रदेश की स्थापना, 1956 में ही यूजीसी की स्थापना। किसकी? यूजीसी की स्थापना भी कब? 1956 में। एमपी की भी स्थापना कब? 1956 में। और सामोर भागलपुर बिहार में प्रारंभ की गई। कहां प्रारंभ की गई? भागलपुर बिहार में। परंतु सबसे पहले अनौपचारिक रूप से, ऑफिशियली नहीं है, अनौपचारिक रूप से यहाँ कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। लेकिन ऑफिशियली पूछता है, ऑफिशियली रूप से प्रसार शिक्षा की पहली पढ़ाई कहाँ की गई? बिहार में, और बिहार के सावर भागलपुर में इसको प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये इंपोर्टेंट है, हैदराबाद में है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन जो है संस्थान, वो मैनेजमेंट है, वो कहाँ जाना है? हैदराबाद में। पहली बार प्रसार शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोरहिज ने किया था। किसने? बोरहिज के द्वारा किया गया था। ये एक्सटेंशन के कुछ सामान्य क्वेश्चन है जिसे हमें पढ़ना है। अब देखें एंड्रोलॉजी शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन री आरयू एग्जाम जो हुई थी 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। केवल उसका एंड्रोलॉजी का अर्थ पूछा गया था, उसमें किससे शिक्षा प्राप्त होती है? बालक शिक्षा से। तो यहाँ पे वयस्क सिकाई, क्या है? वयस्क सिकाई। वयस्क सिकाई का मतलब क्या? एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में ये किया गया था, इसलिए एंड्रोलॉजी का अर्थ क्या होता है? एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। एंड्रोलॉजी जो है शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है वयस्कों को सिखाई शिक्षा देना, प्रसार करवाना। जैसे कंपनी की बात करें, कोई कंपनी ने एक एफओ के पद पे किसी को रखा है तो बीएससी ऐसे कर लेता है, ऑलमोस्ट जाते ही है। कंपनी में उसको रखा तो उसको किस बेस पे रखा? उसको इसी बेस पे रखा है कि वो क्या करे, सिखाई, यानी उसको सिखाएंगे पहले तो, उसे ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से किसान से जाके बात करना है, कि हमारी दवाई का प्रचार प्रसार कैसे करना है। तो वहां जो सिखाई होती है वह वयस्क सिखाई कहलाती है, यानी कि एडल्ट एजुकेशन कहलाता है। और यही क्वेश्चन एंड्रोलॉजी जो है ये पूछ लिया गया, इसलिए बेसिक नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रसार कार्य की आधारभूत इकाई किसको बोला गया है? अगर हम एक्सटेंशन की कार्य की अगर बेसिकली इकाई अगर यूनिट माने तो किसको माने? फैमिली को मानेंगे, यानी कि परिवार को माना गया है। और प्रसार का मुख्य बिंदु अगर बोलेंगे तो हम किसको मानेंगे? वहां कृषक या किसान को ही मानेंगे। मानव सभ्यता जिसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई कौन सी है? लेकिन याद रखना यहाँ पे एक्सटेंशन की अगर वो बात करें, किसकी बात करें? एक्सटेंशन की बात करें तो आपको किसको बताना है? फैमिली को बताना है। लेकिन वहीं पर यदि अगर मानव सभ्यता सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई बात करें तो होम या घर को बताना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि सिविल लोग जो है, सिविल लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, ऐसा याद रखना। यानी कि कुछ मिला के यहाँ पर एक परिवार आएगा, फैमिली आएगा, एक होम आएगा, दोनों में डिफरेंट है। अगर सिविलाइजेशन आता है तो हमको होम ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्सटेंशन आता है तो परिवार से स्टार्ट होता है। क्योंकि परिवार जो होता है वो एक समूह होता है, उस समूह के माध्यम से ही हम एक्सटेंशन को अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता कौन सा होता है? वोल्टरी नेता। कौन सा नेता? वोल्टरी लीडर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्टरी लीडर जो होता है यहाँ प्रसार शिक्षा में सबसे उपयुक्त माना गया है। प्रसार के सैटेलाइट मॉडल का विचार जी पेरुमल के द्वारा दिया गया। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो नॉर्मली सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। किसने दिया था? देखो यहाँ पर पेरुमल के द्वारा दिया गया है, प्रसार के सैटेलाइट का मॉडल जो दिया था। अब यहाँ पर देखो रूम शब्द आया है, आप इसको मॉडल जो है रूम में तैयार किया गया था, इसको याद रखना। पेरुमल पहली बार प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग यूके में यानी कि इंग्लैंड में किया गया था। पहली बार प्रसार शिक्षा, यहाँ पर याद रखना प्रसार नहीं लिखा है। अगर आपको प्रसार शब्द आ जाए तो आपको यूएसए बताना है। क्या बता रहे हैं? अगर प्रसार की बात करें सबसे पहले इसका प्रयोग कहां किया गया था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर प्रसार शिक्षा शब्द आ जाता है तो प्रसार शिक्षा का जो है आपको इंग्लैंड मानना है।
दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है। केवल एक्सटेंशन अगर बात करेंगे तो यूएसए ने स्टार्ट किया था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको इंग्लैंड, और इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं होगा तो यूके लिखाएगा। यूके में किया गया था री एग्जाम 2012 की, 2020 की एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, फादर ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक क्या है, थॉर्नडाइक को माना गया है। फादर ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, थॉर्नडाइक को कहते हैं। अध्यापन में लर्निंग कर्व, अब देखो यहाँ पर सीधा सा फैक्ट लाइन वन लाइन फैक्ट थी जो किसमें आ गई थी, एमपीटेट 2023 के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया था अध्यापन के लर्निंग कर्व, यानी लर्निंग कर्व का आकार कैसा होता है, केवल आकार पूछ लिया था उसका, तो आकार वहां इस प्रकार का होता है। केवल ये एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा गया था, और यहाँ KB 2.0 बुक में, किसमें, KB 2.0 बुक, कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में यहाँ क्वेश्चन था। जिन्होंने एमपीटेट दिया है, जितने भी बच्चे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको पता है कि यहाँ से ये सीधा सा क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन से हमें बेनिफिट मिला था। ये क्वेश्चन यहाँ से आया, फिर उसी के जस्ट नीचे केवी टू बुक में सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, KN सिंह है। कौन है, KN सिंह। अभी आरएचओ में पूछ लिया गया, एमपीटेट 2023 में यही वाला वापस क्वेश्चन जो है ये वापस यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी दो क्वेश्चन, दो लाइन से दो क्वेश्चन बैक टू बैक बने, और यहाँ पे भारत में प्रसार शिक्षा का पूछा है तो केएन सिंह को माना गया है। ठीक है, अब देखेंगे प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर हम देखें ये कौन सा प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किया गया था तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था, और विस्तार अधिकारी होना चाहिए कैसा, व्यक्तिगत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विस्तार अधिकारी होना चाहिए, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल होना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्र रूप से टू वे में किसान को सिखा सके और किसान से सीख भी सके, तो यहाँ री एग्जाम वाले में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब देखो, अब यहाँ हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है जेवी लिंगस, क्या है, जेवी लिंगस को एक्सटेंशन एजुकेशन का पिता कहते हैं, लेकिन केएन सिंह को भारत में कहते हैं, तो केएन सिंह भारत के लिए है, लेकिन अगर लिंगस को पूछे जेवी लिंगस को तो यह विश्व लेवल के हैं, यानी कि इनको ऑल ओवर पूछा जाता है, इनको एक्सटेंशन एजुकेशन का पिता कहते हैं, तथा भारत में केएन सिंह है, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए याद रखना ये दोनों डिफरेंट है। अगर भारत आ जाए तो केएन सिंह का नाम लेना है, अगर भारत नहीं आए, नॉर्मल पूछ ले और उसमें भारत ना दिया गया हो और केएन सिंह भी हो तो भी हम, तब हमको केएन सिंह को नहीं मानना है, तब हमको सामान्य अगर पूछ लेगा तो हमें कहां जाना पड़ेगा, जेवी लिंगस पे करना पड़ेगा क्लिक, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। उसे उस क्षेत्र तक फैलाना था, क्या बात हमें करी, हम जरा पीछे बैक करके देखते हैं हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोल रहे थे प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का टारगेट क्या था, उसे उस क्षेत्र तक फैलाना था जहां तक लोग निवास करते थे, जहां तक लोग निवास करते थे, इसलिए इंग्लैंड के लोग खोज में निकल चुके थे। आपको पता वास्को डिगामा आया, उसने कई जगह की खोज की, खोज क्या की भाई, ये लोगों को पहले नॉलेज हो गया कि एक्सटेंशन कुछ होता है, तो ये अपनी गाड़ी अपनी नाव उठाई और ये चल दिए समुद्र में कि देखे कहाँ कहाँ पे पृथ्वी है, कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं, जहां जहां पे लोग रहते हैं वहां जाके उनके माइंड को रीड किया और उन लोगों पे क्या किया, अपना राज किया। तो उसे उस क्षेत्र तक फैलाना था जहां तक लोग निवास करते हैं, ये कुछ लोगों ने किया लेकिन अच्छे के लिए किया था, लेकिन उसका भारत जब गुलाम हुआ तो मिसयूज हो गया था। यह विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा आंदोलन के रूप में जाना गया, लेकिन इन शब्द का औपचारिक रूप से मान्यता फेडरल स्प्रिट लिवर एक्ट 1947 के पास होने के बाद माना गया, उसके पहले नॉर्मल चलता था, कौन आया कौन गया भारत में कुछ नहीं पता, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हो गया, हमारा खुद का संविधान बना, हम खुद भारत के निवासी पहले से थे, लेकिन उसके बाद हमको सारी चीजों की सहूलियत दी गई, तब से ये पास होकर तब से हम इसको औपचारिक रूप से मानते हैं। प्रसार शिक्षा एक कैसा है, व्यवहारिक बिहेवियर साइंस है, जिससे युवाओं को स्कूल कॉलेज से बाहर की समस्याओं का हल करने का प्रयास करवाया जाता है। स्कूल कॉलेज में जो हम सीखते हैं वो अलग चीज है, बुकों से जो सीखते हैं वो अलग चीज है, लेकिन फील्ड में जो हम सीखते हैं या जो हमारे अंदर व्यवहार आता है कि किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पर जो है प्रसार शिक्षा सिखाती है। एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए प्रसार शिक्षा जो है व्यवहारिक विज्ञान को सिखाती है, यानी प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, बिहेवियर साइंस है, और यहाँ क्या सिखाता है, कॉलेज और स्कूल से बाहर की समस्याओं से लड़ने के लिए व्यक्ति को एक मजबूत स्तंभ की तरह बनाता है।
तो प्रसार शिक्षा यानी कि इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे माइक लेके कहीं स्टेज पे बोलना, तो हम एकदम नहीं बोल पाएंगे। आपको बोल दिया, माइक दे दिया कि भाई आपको बोलना है, और टॉपिक दे दिया आपको इस टॉपिक पे बोलना है, तो उस टॉपिक की अगर हम ज्ञाता हुए तो ही हम बोल पाएंगे। लेकिन चलो उस फील्ड के हम ज्ञाता नहीं भी हुए, लेकिन उस फील्ड का हमें थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ, और माइक अगर हमको दे दिया तो हो सकता हमारी स्पीच थोड़ी गड़बड़ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें उस चीज को प्रसार शिक्षा का अगर हमें महत्व है, हम उसको सीख चुके हैं कहीं भी पहले फील्ड में, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं अगला, देखते हैं काइनेस ने को आधुनिक एक्सटेंशन का पिता कहते हैं। इसको केंस को, इसको काइनेस लिखा है, लेकिन इसको हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो हिंदी में आपको केंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केंस। केंस को आधुनिक एक्सटेंशन का पिता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंशन वर्क प्रथम बार क्रॉप साइंस पर किया गया था। किस पर किया गया था? है क्रॉप साइंस यानी फसल विज्ञान पर किया गया था। किस पर? फसल विज्ञान पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक्सटेंशन, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ टू वे प्रोसेस है, क्या है ये एक्सटेंशन वर्क जो है यह टू वे में चलता है। टू वे में कैसे? अगर हम देखें तो रिसर्च होती है, रिसर्च से हम उसको कहाँ तक ले जाते हैं? फार्मर पे ले जाते हैं। कभी कभी फार्मर कुछ चीजें कर लेता है, वो चीजें कहाँ आती है? वैज्ञानिकों के पास आती है। तो यहाँ टू वे में चलता है। क्या है? टू वे में चलता है। कहाँ? रिसर्च से फार्मर तक, और फार्मर से रिसर्च तक की जो चीज है वह एक्सटेंशन वर्क के अंतर्गत आता है। प्रसार शिक्षा की कुछ विशेषता है, जैसे अगर देखें नॉर्मली पूछता है इसको प्रसार शिक्षा है, कैसी शिक्षा है? एक अनौपचारिक इनफॉर्मल यहाँ शिक्षा है जिसे स्कूल कॉलेज से बाहर दी जाती है, स्कूल कॉलेज के बाहर। इसीलिए अगर हम देखें तो हम बीएससी एजी करते हैं। क्या करते हैं? बीएससी एजी। तो बीएससी एजी में लगभग लगभग 64+ सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? 64+ सब्जेक्ट होते हैं, 80 के आसपास। तो अब 64+ सब्जेक्ट जो होते हैं अलग अलग कॉलेजों के, अलग अलग सब्जेक्ट में अगर देखें हम, तो अब इतने सब्जेक्टों के विषय में पढ़ना, आप ये मानो कि आप जितना कॉलेज के अंदर पढ़ते हो उतना प्रोफेसर या कृषि वैज्ञानिक हमको कॉलेज के बाहर भी फील्ड पे पढ़ाते हैं कि भाई ये चने की खेती है, ये गेहूं की खेती है, इसमें किस प्रकार से हम वर्क कर सकते हैं, एक्सटेंशन में कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे लोगों तक नई वेरायटियों को हम पहुंचाएंगे, कैसे उस कृषि के विषय में जो अनुसंधान है उसे कैसे पहुंचाएंगे, इन सारी चीजों को वह स्कूल से कॉलेजों के बाहर दी जाती है। यहाँ अधिक प्रायोगिक है, अधिक प्रैक्टिकली है ये, और यहाँ सतत है। इसमें व्यक्ति यदि अगर उसकी उम्र भी हो जाती है ना, तब तक वो सीखता रहता है। इसलिए इसको क्या बोला है? रेगुलर बोला, सतत बोला है। इसके बाद यहाँ लचीली होती है। प्रसार शिक्षा मुख्य क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है? प्रसार शिक्षा मुख्यतः क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल यहां पर होती है। ठीक है, यह दोहरी वे है, इसको आपको याद करना है। दोहरी प्रवाह प्रणाली यानी टू वे प्रोसेस के अंतर्गत ये आती है। इसके बाद हम देखें अनुसंधानकर्ता किसान को सिखाता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसान को सिखाते हैं, और साथ ही किसानों से सीखता भी है। ऐसा नहीं है कि किसानों से नहीं सीखता है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला, सतत प्रोसेस है। हम जितना सीखते जाएंगे उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है। बहुत लचीली है, सतत प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। यही अनुसंधानकर्ता किसानों से सीखते हैं, और किसान अनुसंधानकर्ताओं से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे से, टू वे में। इसलिए बोला है डबल वे प्रोसेस। इसमें व्यवहारिक ज्ञान पहले और बाद में सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। पहले व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, बिहेवियर साइंस दिया जाता है, और उसके बाद में फिर हम सिद्धांत की ओर चलते हैं और उसके नियमों को हम फॉलो करते हैं। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन आते हैं कहां चले गए, आउट ऑफ क्यों गए, आउट ऑफ नहीं, ये सीखने वाला साइंस है। तो यहां पर हम बोले इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। पारिवारिक मुख्य बिंदु होता है प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना, ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। अगर उसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है और अगर वह इस फील्ड में काम कर रहा है तो वो धीरे धीरे सीखता जाता है, क्योंकि हमने अभी बोला सतत प्रोसेस है, यानी कि सीखता जाता है, सीखता जाता है, जितना वह वर्क करेगा उतना वह सीखता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में प्रसार शिक्षा। और आपको मैं फिर बता दूं कि आप लग जाइए, अभी बहुत अच्छा यूपी यूपीटीए एग्जाम जो है यूपी के लिए,
बहुत बढ़िया एग्जाम, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसने पहले एग्जाम दे रखी है, पैट जो एग्जाम जिसने दे रखी है वही इसमें बैठ पाएगा, तो इसके लिए लगे रहिए। और मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप कम से कम 1 या 1.5 साल तैयारी में लग जाएं। जो नए बच्चे जो रनिंग हैं, जो नए बच्चे हैं जो रनिंग में जिनका बीएड चल रहा है और इसके बाद रनिंग में बीएड चल रहा है, वहां एमपी टेट जो एग्जाम हो उसकी तैयारी में लग जाए। एमपी टेट की जो प्री एग्जाम होगी, जो क्वालिफाई एग्जाम उसको बोलते हैं, उसकी तैयारी में लग जाए और अभी से पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सटेंशन में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।